इसमें एल्कोहल मॉड्यूल लगाया है, जिसे एल्कोहल के रखते हैं मुँह से बस आएगी, उसको डिटेक्ट करके सिग्नल ट्रांसमिट के रिसीवर के पास भेजेगा और रिसीवर डिटेक्ट करके बताएगा कहाँ पर इसमें एल्कोहल और बाइक ब्लॉक करते हैं। और जैसे कि जैसे कि कभी कभी फोन आ जाता है और कैंट की हेडफोन लगाए हैं, उसके कारण डॉक्टर मैंने हेडफोन लगाया, मैं हेलमेट नहीं करवाऊँगा, मैं हेडफोन लगाना पड़ेगा, बातचीत होगा, इसलिए ब्लूटूथ सिस्टम को हेलमेट में इंस्टॉल करेगा। और चौथा फीचर ये है इसमें, जैसे कि कोविड वगैरह टाइम कोविड में ही चला जाएगा, ये अभी तुरंत बंद आ गया, तो अभी ये आया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 55 बीट सेल्सियस। यस सर, तो अभी मैं इसका जो वॉइस कमांड यूज़ करता हूँ वो चला के दिखा रहा हूँ। ओके, तो अभी पहले दोनों हाथ खोल देते, ओपन बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स ओपन, बोथ हैंड ओपन, ये हो गया। हाँ 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 करा वो थोड़ा, हाँ 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 करा रहा हूँ। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट हो गया, गो बैकवर्ड, कमांड वन, ठीक है। अब एक, अब देखिए, गो फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ऑप्टिकल चाहिए।
जल्दी एक मिनट बताइए सर, ये पैराबोलिक ट्रफ है, ये लाइन पे कंसंट्रेट करता है और यहाँ पे हमने वेबिट्यूट यूज करते हैं, इसके अंदर से हम ट्रे यूज़ करते हैं, 5 मिनट में लगभग 20 मिनट में हमारा पनीर टिक्का फिंगर वगैरह यूज करते हैं। अच्छा, उसी से जो आपने शेप दिया उससे कर जी, ये लाइन कंसंट्रेटर नाम सर, ये मॉडल जो है विचार किया सर, एल पी जी गैस से होने वाले कितने हादसे होते हैं, तो मेरा मॉडल एल पी जी गैस को सेंस करके इसका प्रयोग सर पीछे आ जाए, फायरिंग सर ये पॉलिंग की लिमिट बहुत अच्छी है, जैसे किसानों के बोर बिल में कचरा पॉलिंग वगैरह फंस जाता है, उस दौरान पाइप निकालना बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, एक मशीन बनाई है जिसमें कुछ डाल करके ये मतलब कचरा आसानी से निकाल लेती है। सेंसर भी लगे आगे से तो आप कराइए, एक ऐसा रोबोट बनाया है हमने वाईफाई की होती है, इसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें जो कमांड है और इसमें मोबाइल फोन का आई पैड डाल के साउंड भी कर सकते हैं, स्टॉप और इसकी स्पीड वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं सर। आप एक चीज़ एक्सप्लेन कर दो बेटा, ये कर दो पौधों के लिए ठंडा रहता है मतलब बाकी सर किसी ने चीज नहीं सर, अब ये देख लें ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात के साथ आए।
कराने के लिए कहा गया। नव प्रवर्तक अभी ना आए साथ में, केवल मॉडल कंपटीशन वाले प्रतिभागी साथ में आए। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए सर, और पीछे आ जाइए। श्री महादेव पांडे वैज्ञानिक अधिकारी गोरखपुर, गोरखपुर मंडल। अरे आगे पहला युग यदि तरक्की का भाव के रूप में आया तो दूसरा युग तेजी से तरक्की का इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आया। फिर डिजिटल युग आया है और उसमें आप सबने बहुत से खोज की है जो आम जीवन से जुड़ी हुई है। और ये सब अगर इसका बड़ा रूप होगा तो विश्व कल्याण का स्वरूप बनेंगे। अब जैसा प्रमुख सचिव जी ने कहा कि खोज वो होनी चाहिए जो घरेलू कार्यों से लेकर अंतरिक्ष तक हो, और आज हमारा देश, हमें गौरव है इस बात का कि हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा तक पहुंचे चंद्रयान के रूप में, सूर्य का स्टडी करने के लिए आदित्य के रूप में पहुंचे। तो ये सब उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं उनमें शुरू से इनोवेशन रहा होगा, वो जरूर रहा होगा। जिन्होंने, मैं बहुत कुछ देखना चाहता था लेकिन मैंने कहा मजबूरी है, जिन्होंने ये सब किया है कभी और तसल्ली से उनसे बैठेंगे बात करेंगे। पहली बार मंडल स्तर पर ये हो रहा है। हमारे नेता योगी जी जो मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे मुखिया है प्रदेश के, उनका, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, मोदी जी की प्रेरणा मार्गदर्शन पूरे देश को ही नहीं दुनिया को है। तो जब नेतृत्व ऐसा है तो परिवर्तन भी बहुत तेजी से और सकारात्मक हो रहा है, और वही वातावरण बना है जिससे कि आप सबने कुछ ना कुछ करने की सोची है। साइकिल भी देख रहा था मैं, वो एक बालक, बहुत छोटा बालक, वो जो पॉलिथिन का जिसने निकाला गंदगी तालाब की, शायद 9th क्लास का बालक था, मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो इन सब के अंदर प्रतिभा है, तलाशा उन लोगों ने जो कोऑर्डिनेटर यहां आए, और तराशा उन लोगों ने जो कोऑर्डिनेटर थे। तो सैल्यूट उनको भी, चाहे इन बच्चों की प्रतिभा का प्रणाम है, नमन है, तो सैल्यूट उन दोनों कोऑर्डिनेटर्स को भी जिन्होंने उनको तराशा है, जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है उनको बधाई। लेकिन पुरस्कार के योग सब हैं, सभी हैं। कोई भी वहां जो प्रेजेंटेशन हो रहा था उसमें कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं है जो पुरस्कार योग्य ना हो, लेकिन फिर भी निर्णायक मंडल ने जिनको पुरस्कृत किया वो बधाई के पात्र हैं।